हे गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। सूरजमुखी की तरह दिखने वाला गजेनिया का फ्लावर जब विंटर में खिलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। सभी लोग इसे विंटर फ्लावर प्लांट समझते हैं, बट रियल में गजेनिया पूरा साल तक रहने वाला प्लांट है। जी हाँ, गजेनिया बहुत रंगों में आता है, बहुत सारे इसके कलर्स हैं, शेड्स हैं। और एक बार आप इस प्लांट को लाते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए, तो थोड़ी सी केयर करके आप इसे पूरा साल अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की खासियत होती है कि ये सीड से भी जर्मिनेट हो जाता है और ये सेल्फ डिवाइड होता है। मतलब इसकी जो प्लांट हैं वो एक प्लांट से कई प्लांट में डिवाइड होते रहते हैं धीरे धीरे ग्रोथ के साथ, और देन आप एक ही पौधे से कई सारे पौधे भी बना सकते हैं। गजेनिया फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी होता है। अगर इसकी सनलाइट की बात करें तो इसे सनलाइट से वैसे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। फुल सनलाइट में रखा हुआ गजेनिया बहुत अच्छी ग्रोथ भी लेता है और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप इसे अपनी बालकनी में, टेरेस पे, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ज़मीन पे जो गार्डन ग्रो किए जाते हैं, ज़मीन पे जो गार्डन बनाए जाते हैं, उसमें अगर आप हेजेस के लिए भी इन्हें यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आप जिस भी जगह पर इसे लगाएंगे, कुछ दिनों के बाद ये वो पूरा कंटेनर या पूरी एरिया काफ़ी कवर कर लेंगे। ये प्लांट इस तरीके से ग्रो होता है। इसके कंटेनर की बात करूँ तो आप इस वक्त जो मेरे कंटेनर देख रहे हैं, ये प्लास्टिक कंटेनर हैं। प्लास्टिक के, मिट्टी के, किसी भी टाइप के कंटेनर में ये आसानी से सर्वाइव करता है। बट ज़रूरी ये होता है कि आपका कंटेनर ज़्यादा गहरा ना हो तो चलेगा, बट चौड़े मुंह वाला हो। मतलब गजेनिया के जो लीफ हैं वो एकदम लीफी टाइप के इसके लीव्स होते हैं, और उसमें पेस्ट के लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गहराई वाला पॉट ले लिया और गजेनिया चारों तरफ से पैक हो गया तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप चौड़े मुंह वाला कंटेनर लेते हैं, जैसे कि इस वक्त मेरे कंटेनर हैं, तो ऐसा लेने से इसके आजू बाजू हवा आती रहती है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी ये कंटेनर में जो सीडलिंग्स आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने सितंबर के एंड में लगाया था और अब इन्होंने फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। ये मेरे सीड से ग्रो गजेनिया के प्लांट हैं जिन्होंने अब ब्लूम किया है। कुछ दिनों के डिस्टेंस में मैंने और भी गजेनिया के सीडलिंग की थी, वो सब जब एक साथ ब्लूम करेंगे तो मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी के गजेनिया अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको जैसे ही सारे फूल खिलेंगे सभी रंग एक बार ज़रूर दिखाऊंगी अपने चैनल पे। और चलिए गाइज, इसके सॉइल की बात करूँ, मैंने इसकी सॉइल में थोड़ी सी सैंड ऐड की है। मतलब जो सिंपल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट गोबर खाद जो मैंने लिया है उसके साथ मैंने इसमें सैंड ऐड की है। गजेनिया की रूट्स पतली और वाइट टाइप की होती हैं। अगर आप मिट्टी में सैंड ऐड करते हैं तो बहुत अच्छे से वो डेवलप होती हैं, तो आपकी प्लांट की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। गजेनिया पर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लूम चाहते हैं तो हर 15 से 20 दिनों में एक बार थोड़ी सी कंपोस्ट इसमें ऐड कर दिया करें। और जो फ्लावरिंग इस पर होती है, मतलब एक बार जो फ्लावर खिलता है 2 से 3 दिनों बाद वो मुरझा जाता है, उस वक्त आप उस फ्लावर को कट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी सीड बनाने में लगा देगा और दूसरे जो फ्लावर्स हैं जो ब्लूम होने वाले हैं उन्हें पावर कम मिलेगी, तो वो लेट ब्लूम करेंगे। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो आपकी गजेनिया पर नॉन स्टॉप फ्लावरिंग होती रहती है। गजेनिया हैंगिंग में भी आप लगा सकते हैं। इसके लटकते फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग में, और बास्केट में, बालकनी में, छोटी स्पेस में गजेनिया बहुत आराम से रह जाता है। बस ज़रूरी ये होता है कि आप इसे फुल सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा सनलाइट इसे मिलेगी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेगा। गजेनिया को ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। ओवर वाटरिंग तो किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा रही हूँ, आप इसकी लीफ को देखकर समझ सकते हैं कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपने डाला तो ये प्लांट यूँ ही गल जाएगा। इस वक्त मेरे सभी प्लांट में बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं, बिकॉज ये बिल्कुल न्यूली ग्रो प्लांट है, सीड से ग्रो हुआ है। सो ये सारी इसकी फर्स्ट फ्लावरिंग है अब जो होंगी, और जैसे जैसे ये फ्लावर मतलब करते जाएगा ये मेरा पूरा कंटेनर प्लांट कैप्चर कर लेगा, यानी बहुत सारे नए प्लांट्स बनते जाएंगे। इन प्लांट्स में से जब मैं नए प्लांट को बनाने के लिए इसे कट करूँगी तब एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप इसे ग्रो कैसे कर सकते हैं। और
अब इसके पेस्ट की मैं बात करूं, गजेनिया पर सभी टाइप के पेस्ट अटैक करते हैं, सभी टाइप के, मिली बग, एफिड्स, कैटरपिलर। बिकॉज ये लीफी टाइप प्लांट है तो इसकी लीव्स खाना सभी पेस्ट को बहुत पसंद होता है। अगर आप शुरू से ध्यान रखें कि आप नीम के जो पत्तियां होती हैं नीम की, उनको उबाल कर लिक्विड बना लें और शुरुआती दौर से ही हर 15 दिनों के डिस्टेंस में इस पर स्प्रे करते रहें, तो काफ़ी हद तक आप अपने गजेनिया के प्लांट को डिजीज़ फ्री बना देंगे, फंगस फ्री बना देंगे। इसके लीफ बहुत जल्दी फंगस लग जाती है इनकी लीव्स पर, अगर आपने इसकी अच्छी केयर ना ली तो। बरसातों में गजेनिया अच्छे से ग्रो करता है अगर आपने कोई प्लांट अभी लिया है, और विंटर में वो ब्लूम करेगा और समर आते ही उसकी फ्लावर्स छोटे हो जाएंगे। यस, गजेनिया समर में छोटे छोटे फ्लावर्स देता है बट जिंदा रहता है, और जैसे ही बरसातें आती है ये फिर से खिलना शुरू कर देता है। विंटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको सनलाइट में, पर समर में आपको इसे शेडी एरिया में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओवर वाटरिंग कभी ना करें, मीडियम पानी दें। महसूस हो जब आपको कि अब इसकी मिट्टी में से मॉइस्चर कम हो गया है, तब आप इस प्लांट को पानी दें, तो ये अच्छी तरीके से रहता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो गाइज, ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी गजेनिया के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, गजेनिया ज़रूर लगाएं, चाहे सीड से लगाएं चाहे आप प्लांट लाके उसकी केयर करके उसको डिवाइड करें। दोनों ही कंडीशंस में गजेनिया बहुत खूबसूरती से ग्रो करते रहेगा, और इसके सीड्स पाने के लिए आपको सीजन के एंड में यानी कि मार्च तक इसमें जो आखिरी बर्ड्स रहते हैं उनसे आपको सीड्स भी मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।